डीसी कठुआ ने तहसील बनी में ब्लॉक दिवस के मौके पर लोगों की ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल के साथ जो इलेक्ट्रिक पोल्स इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सप्लाई है वो जो लगाया जाए सर हम भी उसका देखेंगे और जहां पे भी सर पड़ी कि अगर वहां से भी कहीं फायर का ऐसे इंसिडेंट हुए हम जरा आपकी नॉलेज में भी लाएंगे कंसर्न डिपार्टमेंट को भी बता दिया जाएगा कि उसका पक्का कोई अल्टरनेटिव करे क्योंकि सर उससे इलेक्ट्रोक्यूशन के चांसेस हमेशा रहेंगे लेकिन जो भी वहाँ सर वो एफ सी की जो वायलेशन वगैरह उसको देख रहे हैं जो क्योंकि सर वो स्लोप भी बड़ा स्टीप है सर तो मेरे सर यही इश्यूज थे फॉरेस्ट फायर को लेकर सभी से यही निवेदन है कि जंगल का कानून बहुत सख्त है विद रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट फायर लेके नॉन अवेलेबल है अरेस्ट है इसमें हम कर्पोरेट आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो आप सबको ये पता चल जाएगा उसमें हमारा मीडिया का भी सर बहुत बड़ा योगदान है एक मीडिया के बंधु ने सर हमें वीडियो भी दी है जिसमें बंदा जाके फायर लगा रहा है क्योंकि सर वो बहुत दूर से है वीडियो बहुत ब्लर है हमने फिर भी कोशिश की है हम सर उसकी पंचायत तक तो पहुंच गए हम इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं जहां हमारे डिपार्टमेंट की कोई कोताही है हमारे डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्स नहीं है मैं हर समय आप लोगों की बात सुनने को भी तैयार हूँ लेकिन फॉरेस्ट को लेकर थोड़ा सा हम लोगों को संजीदा होना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी खुली प्रॉपर्टी है वन संपदा को हम कैद करके नहीं रख सकते यहाँ अभी देखिए आज भी वीडियोस अब डिपकॉम ऑफिस से भी हमें फोन आया साहब को भी फोन आया हमारा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि फॉरेस्ट फायर को लेके क्योंकि सर सर जंगल में इस पर आग क्यों लगी है ना वो साइंटिफिक रीजन बताता हूँ बनी में हमेशा मार्च में बारिश हो रही है और सर उन जगह में आग लग रही है बांझ के जो जंगल है सर वहाँ पे कभी आग नहीं लगी तो चूंकि सर नीचे जो उसका चिलेक्टर है वो इतना इतना इकट्ठा हो गया है सर उसका डेढ़ डेढ़ फीट तक हो गया सर तो एक बार तो जंगल आग है वो क्रीपिंग फायर ही है लेकिन क्योंकि बारिश नहीं हुई है मार्च में इस वजह से बनी में उन जगहों में आग लग रही है जहाँ पे कभी भी इंसिडेंट होता है सभी से निवेदन है कि फॉरेस्ट फायर को लेके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कोऑपरेट कीजिए शुरू नहीं हो रहा है पता मैं फसल बीमा योजना लेकिन अगर वो शुरू हो जाती है तो मैं किसानों को कहूँगा कि वो अपना क्रॉप इंश्योरेंस जरूर कराएं क्योंकि रिलीफ में रिलीफ मिलता है नॉट कंपनसेशन रिलीफ और कंपनसेशन में बहुत फर्क है कंपनसेशन होती है आपकी क्रॉप कितनी होनी थी कितना नुकसान होना था वो पूरा रिस्क कवरेज होता है रिलीफ में फिर बिल्कुल माइनर कवरेज होती है जैसे अनएजुकेटेड के लिए 6,700 पर हेक्टर मिलता है बड़ा मीगर अमाउंट है एजुकेटेड के लिए 13,500 पर हेक्टर मिलता है बहुत बड़ा मीगर अमाउंट है तो इसलिए मैं फार्मर्स को यही कहूँगा कि इस बार जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो उसमें काफ़ी मॉडिफाइड है काफ़ी फार्मर फ्रेंडली है और वॉलंटरी है फार्मर चाहे तो करें नहीं चाहे तो नहीं करें उसमें काफ़ी एडसान भी है तो जैसे ही लागू होती है हमारी डिस्ट्रिक्ट में अभी लागू नहीं हुई है होपफुली जल्दी हो जाएगी तो उसमें ये भी कवरेज है अगर स्विंग नहीं हो पाती वो भी उसमें कवर्ड है तो इसके लिए मैं थोड़ा इसके लिए आगाह करना चाहता हूँ दूसरा ये जो यहाँ की डिमांड है कि यहाँ सब डिविजन होना चाहिए बड़ी जायज़ डिमांड है और डिपार्टमेंट ने भी इसको आगे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को कहा है और रीऑर्गेनाइजेशन में इसका प्रपोजल भी है एक बार मुझे यहाँ से आया था SDM साहब का मुझे आया था बीडीसी सारे आए थे कि ये हमारा चेंज होकर पुरानी बिलावर चल रहा है तो मैंने इनको वेरीफाई किया था और लेटर भी दिखाया था जो हमने प्रपोजल दिया है तो ये जो टॉप ऑफ द एजेंडा है ये होना चाहिए क्योंकि बसोली और यहाँ का सबडिविजन एक ही होना बड़ा डिसएडवांटेज है तो ये डिपार्टमेंट जब भी रीऑर्गेनाइजेशन होगी और ये टॉप एजेंडे पे है हो जाएगा ये हो गया दूसरा टाइमली स्टॉकिंग ऑफ सीड ये डिपार्टमेंट अब हम इंश्योर कर रहे हैं कि टाइमली स्टॉकिंग ऑफ सीड हो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी अनटाइमली होती है आज के दौर में पहले हुआ करती थी यहाँ से भी लोग पढ़ने गए होंगे आप उन्हीं को राजी कर लो वो यहाँ पर टॉकिंग करने लगे आप वो भी यहाँ पर टॉकिंग करने के लिए राजी नहीं हो रहे ये भी एक समस्या है कि अब जो पढ़ लिख जाता है उसने फिर जो है बाहर नौकरी करना चाहता है वो कि मैं भी आराम से रहूं तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि हमने लास्ट टाइम भी यहाँ पर जो पोस्ट किए थे उन्होंने भी यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया बहुत सारे लोग उसमें से भी छोड़कर चले गए तो हम गवर्नमेंट के साथ टेकअप कर रहे हैं कि फिर से जो है दोबारा से पोस्टिंग की जाए पर ये प्रॉब्लम है जब हमारे फाइल हो गया अभी हम डिमांड करते हैं पैसे आएंगे वो फ्लोरेंट हो जाएंगे
स्ट्रक्चर की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बाकी रहा लैंड कंपनसेशन का, जो हमारे पास पैसे आए हुए थे वो हमने मकान आने की मकान कब तक करेंगे, मकान के सर हम दे रहे हैं साथ साथ, तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि सर ये इस समय शॉर्ट टर्म बहुत ज़्यादा चल रहा है और जो प्री पास होते हैं वो शाम को ही होते हैं, तो हमें इंस्ट्रक्शन है कि प्री पास में कंटेनमेंट करनी ही करनी चाहिए। इवन के डिपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर है, गवर्नमेंट के ऊपर हमारे ऊपर भी प्रेशर है, हर आदमी के ऊपर प्रेशर है कि लॉसेज को कम करें, लॉसेज को कम हमें कैसे करेंगे। अब जिसका 250 बार था मुझे लगा, मैं खुद चेक किया जहाँ एक बार मैं नवंबर महीने में जहाँ पे आया था, एक एक घर के अंदर मुझे रफली 4-4 किलो बार लोड पाया गया, दो दो हीटर लगड़े गए, बॉयलर पकड़ा गया जो डेड बॉयलर मतलब डेड शॉर्ट सर्किट है, वो ये दो बॉयलर लगे हुए मैं ट्रांसफार्मर डैमेज कर देगा, फिर तीसरे में बोर्ड आ जाती है ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया, मुझे एक ट्रांसफार्मर रिप्लेस करने में बनी जैसे एरिया में 1,00,000 रुपये लगता है। मेरे को गवर्नमेंट पूछती है हम आपको बेटर सर्विस देने की कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन ये हम सबका मिलजुल के ये फर्ज भी बनता है कि हम कॉपरेट करें, हम जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब के किराए भी दें। गाँव सारे दाब जो घर थे दाब दिए, जो जमीन थी दाब दी, जो चाहे जो मुआवजा मिलना चाहे जो मालपा उठाना पड़ेगा ठेकेदार, और देखना हमारे गरीबों के बारे में सोचना बहुत हो रही है हमारे साथ, गरीबों के साथ मकान दाब दिए, मर के साथ जमीन दाब दी, हमारे साथ मान माननी बोली है हमने इसे बोला हमने सारे मर पर ठोको नहीं सो कर जोड़ी माता में, और ऊपर से क्राइम भी दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो हम चाहते हैं कि एक पुलिस पोस्ट हो सर, इसका आज हम उम्मीद लेके आए कि आने वाले समय में पता नहीं जैसे पहले लोग डिमांड करते थे वही हमारे लिए कोई डीसी से डीसी नाम पे खड़े हो सकते हैं कि जमीनी सत्र पे भी खड़े हो सकते हैं, हमें ये देखना है सर, आपसे उम्मीद है। हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई नया सर्वे होगा, लेकिन कोई सर्वे नहीं हुआ आज तक, PNDSY वालों को पूछो सर कोई सर्वे नहीं हुआ, क्या कारण है क्या नहीं। ऊपर से सर बिजली विभाग में जैसे सुबह की स्कीम आई थी इनके पास पंडित दीनदयाल उपाध्याय वगैरह जो स्कीमें आई थी उसके तहत सर पाँच विलेज को DDC मैडम को भी पता है, SDM साहब को भी पता है, आज तक कोई एक भी कॉल आया हो जब कोई तारें आई हो तो नहीं। आज भी जब सर देखा जाए तो वहाँ पे दरख्तों के साथ बिजली के तारें बंधी हुई हैं, ये प्रॉब्लम 3-4 साल से आ रही है इनको सर, कभी से 30-32 साल हो गए वहाँ पे बिजली लगी हुई है, पैसा नहीं हमारे पास रुपये नहीं रहा, इनकी शुरू से लाइने देख लो पावर हाउस से और बनी के लिए लाइट आती है 33 kV पानी से होके आती है, जब बनी में 2 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए लाइट बंद रहती है तो पूरा स्टाफ पानी पहुंच जाता है, लेकिन पानी में जब लाइट नहीं होती है जब आज भी वहाँ पे ट्रस्ट के साथ बहुत बंदे हुए हैं, मैं जानता हूँ सर क्या बात कुछ ही इनको बिजली विभाग से जमीन जो भी यहाँ पे आए हुए हैं क्यों नहीं हमें मिला, जो रोड साइड पे है वहाँ पे तो सब कुछ मिलता है, हमने देखा कि कब मैं खंभे पोल पे बहुत जा रहे थे, कोई डूबर जा रहा कोई वहाँ पे सोली वाली साइड कोई दिन रैली में कोई हट मार्च कर, लेकिन हमारे लिए वो बंदे वहाँ पे आते हैं उनको पूछो उस पंचायत के लीडर, वो बोलते हैं हमें पता नहीं है सिर्फ पब्लिक दरबार अटेंड करने के लिए बोलता है, तो मैंने क्या करना है अपने साथ लेके जब उनको पता ही नहीं है पंचायत के बारे में क्या हो रहा है, जब मैंने अपने साथ उनको जोर में छोड़ा है कि अब मेरे साथ चलो, ऐसा बंदा फिर जो आपको पता होना चाहिए कि पंचायत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और इसके साथ साथ ही सर ये जो जोन ऑफिसर एजुकेशन है ये दो होने चाहिए क्योंकि हमारे ब्लॉक में 17 पंचायतें और ब्लॉक दुगुन में 12 पंचायतें हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी पंचायतें और बाहरी क्षेत्र है सारा, इसके लिए ये जोन अलग से दिया जाए। और सर ये जो है पंचायत बोर्ड ये इसका बहुत बड़ा इशू रहा जो चला विलेज था ये पहले ऑनलाइन था, अब ये ऑनलाइन हो चुका है लेकिन इसके साथ साथ ये दो विलेज था कि पंचायत बोर्डों में आता है वो फिर से रह गया, वो बोल रहे हैं शायद बंद हो गया वो साइड फिर से खुलने जाएगी और वो लोग भी ऑनलाइन हो जाएगी, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और जो क्लिफ का रोड बना है अपने अच्छा लेकिन कोई कागजात पूछे ना तो पूछे जो करना है करो कोई जगह दे कोई नहीं करेगा तो नहीं हमारे पास रोड है नेक्स्ट चला करो किसी को भी नहीं दे सकते आज के लिए।
ठीक है, चलो मैं बाद में बात करें। बाकी जो एजेंसीज यहाँ पे काम करती हैं, कंडक्टर्स हैं, किसी से ड्रम्स लिए, किसी से, वो हमें भी 10 से 12 डस्टबिन एट प्रॉमिनेंट गली में हम लगा रहे हैं, उसको उठाने का सिस्टम भी बना दिए। तो बाद में वही सिस्टम आ गया उनके, वो कलेक्शन बंद हो गई, वो जो काम करने वाले थे जब सीजन आया तो वो भाग गए, तो वो सिस्टम ये आपकी बात सही है। जब तक ये लोग खुद नहीं आगे आएंगे, हम खुद नहीं वाले के नाले साहब, ये आप लोगों को खुद करना चाहिए। और आपकी आप बी डी सी चेयरमैन है, बी डी सी आपकी रहती है, आपकी तरफ से डिमांड रहनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये बनी टाउन जो है, ये अपकमिंग एक टाउनशिप बन रही है, इसको म्यूनसिपैलिटी या म्यूनसिपल काउंसिल की जरूरत है, ये डिमांड नहीं चाहता होनी चाहिए। आज दो तीन कर्मचारी जहाँ सफाई के लिए लगे, सोरस में बता देता हूँ सर, नरेगा से उनकी डिबेट हो गई, तो सर हमारी माइनिंग भी जहाँ से सेंटर से हो रही है, सेंटर को सभी टैक्स जा रहा है, तो सेंटर से तीन दो तीन कर्मचारी नरेगा में अगर बनी शहर की सफाई करते रहेंगे सर, तो फिर क्या वो आपने सफाई करनी है तो आप जो है लोगों से पैसे लीजिएगा, यूजर चार्ज लगाइए, लोग अगर नरेगा में सर दो तीन मुलाजिम जो लोग गंदगी कर रहे हैं वही पैसे देंगे। देखो बनी में आके कोई बाहर से आके गंदगी करता नहीं है, मैं आ जा रहा हूँ, मेरा जरूर और मैं साथ ले जाऊंगा अपना कट्टा, देखो हमें पहली बात तो हमें यही गलत फहमी है, जो हमें लगता है कि अंग्रेज बहुत साफ रहते तो हमारा कूड़ा क्यों उठाते हैं।